अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एस्थमा। एस्थमा को एक्सप्लेन करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एस्थमा बेसिकली होता क्या है। एस्थमा को हम डिफाइन करते हैं एज़ एस्थमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एयरवे हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस दैट लीड टू रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ फॉलिंग सिम्टम्स। दोज आर वीजिंग, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग। दीज सिम्टम्स पर्टिकुलरली अकर एट नाइट एंड इन द अर्ली मॉर्निंग। नाउ इफ़ वी डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एस्थमा कि एस्थमा हो बेसिकली क्यों रहा होता है, तो हमें मालूम है कि हमारे पास होते हैं लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग, और लंग के अंदर जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस तरह होते हैं कि सबसे पहले एयरवे में हमारे पास मौजूद होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया से फर्दर लीड कर रहे होते हैं हमारे पास ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो है फर्दर डिवाइड करके हमारे पास क्या बना देते हैं, स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस देते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। अब अगर हम थोड़ा सा इलाबोरेट करें तो लंग के अंदर जो ब्रोंकियोल्स होते हैं, ब्रोंकियोल्स के फर्दर स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो उनके अंदर मौजूद होता है हमारे पास एपिथीलियम जो मेन सरफेस के ऊपर मौजूद होगा एपिथीलियम, एपिथीलियम के बाद हमारे पास प्रेजेंट करेगा म्यूकोजा, म्यूकोजा के बाद सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के अंदर जो हमारे पास मेन बात याद रखने वाली है वो है सब म्यूकोजा के अंदर मसल्स होते हैं। मसल्स कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। इसके अलावा हम ये बताएंगे कि जब हमारे पास ऐसा होगा कोई एलर्जिक रिएक्शन होगा तो ब्रोंकियोल्स के अंदर हमारे पास म्यूकोजा में क्या एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ईओसिनोफिल जो कि वाइट ब्लड सेल्स के कंपोनेंट हैं। ये हमने एक ब्रोंकियोल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। ब्रोंकियोल के स्ट्रक्चर में हमने बताया कि हमारे पास मौजूद है स्मूथ मसल्स और इसके अलावा ये है ब्रोंकियोल का ल्यूमेन। जब हम ल्यूमेन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं एस्थमा के अंदर एलर्जिक रिएक्शन है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो रहा है। एज वी हैव टोल्ड इन द डेफिनेशन इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के अंदर जब हमारे पास इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होगी तो क्या होगा कि जो म्यूकस है उसकी इंक्रीज प्रोडक्शन होने लग जाएगी। म्यूकस की इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से ल्यूमेन ऑफ द ब्रोंकियोल जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा कि स्मूथ मसल्स का स्पैज्म होने लग जाएगा। जब स्मूथ मसल्स का स्पैज्म होने लग जाएगा और म्यूकस की इंक्रीज प्रोडक्शन हो जाएगी, म्यूकस की सेक्रीशन बढ़ जाएगी तो एयरवे नैरोइंग हो जाएगी। एयरवे नैरोइंग लीड करेगी टू ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ और एस्थमा इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। बताया कि इस एस्थमा के पेशेंट के अंदर क्या होगा कि ब्रोंकियोल्स के अंदर इओसिनोफिलिक एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब इओसिनोफिल के अगर हम एक स्ट्रक्चर को देखें तो इओसिनोफिल में बेसिकली है क्या, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है इओसिनोफिल्स को। ईओसिनोफिल्स के अंदर मौजूद होंगे डिफरेंट ग्रैन्यूल्स। अब ये ग्रैन्यूल्स जब रप्चर होंगे, जब ये सेल रप्चर होगा, ईओसिनोफिल्स रप्चर होंगे तो ये रिलीज़ करेंगे दिस ग्रैन्यूल्स इनटू द सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन में जब ये रिलीज होंगे तो ये हमारे पास डिग्रेड करा देंगे प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को। अब ये ग्रैन्यूल्स कॉन्टेन क्या क्या करते होंगे? इन ग्रैन्यूल्स के अंदर हिस्टामीन्स होंगे, ल्यूकोट्राइन्स होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिंस हो सकते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। जब ये तमाम फैक्टर्स रिलीज होंगे सर्कुलेशन के अंदर तो वो लीड करेंगे हमारे पास मस्कुलर स्मूथ मस्कुलर स्पैज्म, और इसके अलावा म्यूकस की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे जिसकी वजह से एयरवे की नैरोइंग होने लग जाएगी। एज़ वी हैव टोल्ड कि एस्थमा जो है वो एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी है कि पहले इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होना चाहिए। इनिशियली क्या होगा, स्टार्ट के फेज में जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो रिवर्सिबल होगा। जब अरसे गुजरते जाएंगे, ईयर्स पास बाय, तो फिर क्या होगा, ये इन्फ्लेमेटरी जो चेंज रिवर्सिबल था वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। इरिवर्सिबल होने की वजह से क्या क्या हो सकता है? इरिवर्सिबल चेंजेस जो हमने बताई, इरिवर्सिबल चेंजेस बेसिकली क्या करेंगे, लीड करेंगे टू एडिमा, स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस ऑफ ब्रोंकियोल्स। इसकी वजह से क्या होगा कि एपिथीलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसकी थिकनिंग हो जाएगी। जब एपिथीलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग होगी, फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो एयरवे की थिकनिंग होने लग जाएगी। एयरवेज जो पहले नैरो, पहले फ्लक्चुएटिंग थे, फ्लेक्सिबल थे, उनके अंदर से एयर इजिली पास ऑन कर रही थी, अब वो थिक हो जाएंगे, एयरवे स्पेस नैरोइंग होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि एयर की पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगी, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा, तो वो लीड करेगा ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ लंग डिजीज़, और वो हम कौन सी पढ़ रहे हैं, एस्थमा। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द कॉजेज ऑफ एस्थमा, कि ऐसी कौन कौन सी कॉजेज हैं जो एस्थमा को लीड ऑन करती हैं, तो बेसिकली जो कॉज ऑफ एस्थमा है वो अननोन है। इस पे हम डिफरेंट फैक्टर्स ले सकते हैं कि डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एस्थमा। उनमें हम कह सकते हैं कि जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में एक वो पेशेंट जिसकी फैमिली हिस्ट्री है, जिसकी फैमिली में ऑलरेडी बहुत सारे लोग सेम डिजीज से सफ़र करते हैं, तो उसके अंदर चांस ज़्यादा है कि उसको एस्थमा हो, और सर्टेन जेनेटिक जीन्स होती हैं जो लीड करी होती हैं एस्थमा को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जो मोस्ट कॉमनली हम इन्वॉल्व करते हैं वो एलर्जेंस, एलर्जन डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वो हाउस डस्ट माइट्स हो सकते हैं, पेट्स हो सकते हैं, पेट्स में डॉग्स, कैट्स। इसके अलावा स्मोकिंग जो है वो एक मेन फैक्टर है जो लीड करती है टू एस्थमा। एस्थमा के पेशेंट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स प्रीडोमिनेट करते हैं। मोस्ट कॉमनली थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो प्रीडोमिनेट करते हैं, और उनमें से भी एक मोस्ट कॉमन होता है जो ईओसिनोफिल, जिसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन से सेल्स हो सकते हैं? हेल्पर टी सेल्स हो सकते हैं, और उसके अलावा न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं।
हेल्पर टी सेल्स अस्थमा के लिए पर्टिकुलरली नहीं है, क्योंकि और अदर डिजीजेज में भी मौजूद होते हैं, जिनमें हमारे पास एटॉपिक डर्माटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस। इसके अलावा जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो किस तरह अस्थमा कॉज करता है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो अननोन है, जबकि इओसिनोफिल के बारे में हम पढ़ चुके, तो हमारे पास डिफरेंट ग्रैन्यूल्स रिलीज करेगा जो कॉज करेंगे एयरवे नैरोइंग। व्हाइल डिस्कसिंग द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अस्थमा, वी हैव टू नो दैट अस्थमा जो है वो डिस्प्ले करता है डायर्नल पैटर्न ऑफ सिम्टम्स एंड लंग फंक्शन बींग वर्स इन अर्ली मॉर्निंग। डायर्नल वेरिएशन का मतलब यह है कि सिम्टम्स जो है या तो अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होंगे या लेट नाइट ज़्यादा होंगे। इसके अलावा इसके सिम्टम्स जैसे हमने पहले जिक्र किया, क्या क्या हो सकते हैं, वीजिंग हो सकती है, चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है और कफ हो सकती है। वीजिंग इज़ अ साउंड जो हमें बिना स्टेथ के पेशेंट के सांस लेने की में एक हमें एक विस्लिंग साउंड होगी, जिसको हम कहते हैं वीज। इसके अलावा पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस होगी, ब्रेथलेसनेस होगी, ही कैन नॉट टेक ब्रेथ ईजिली, उसको बहुत एफर्ट करनी पड़ी होगी, एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पारेशन जो है वो यूज़ होने लग रहे होंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा कि पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस भी है और ब्रेथलेसनेस भी है। इसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सिम्टम मौजूद होता है जो होता है कफ। मोस्टली रात के टाइम पेशेंट को कफ स्टार्ट होती है और इतनी ज़्यादा कफ होती है कि सम टाइम स्लीप से वेकअप कर देती है पेशेंट को। नाउ अब मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स डायग्नोसिस। अब एज अ डॉक्टर हमें कैसे पता चलेगा कि आर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, हम पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। जब हम हिस्ट्री लेंगे तो हमें उसमें रिपीटेटिव एपिसोड्स मिलेंगे, रिपीटेटिव एपिसोड्स ऑफ सेम कंडीशन या फिर फैमिली हिस्ट्री हमें मिलेगी, या पेशेंट के रिलेटिव्स में कोई ना कोई ऐसा केस जरूर मौजूद होगा दैट इज एसोसिएटेड विद अस्थमा। सो हमारा डायग्नोसिस जो है वो मूव ऑन करेगा टूवर्ड्स अस्थमा। इसके अलावा हम लंग फंक्शन टेस्ट कराएंगे, जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है टू असेस फॉर द अस्थमा। इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, जो अगर हमारे पास फॉलो हो जाए तो अस्थमा डायग्नोज हो जाता है, अगर वो क्राइटेरियाज फॉलो ना हो तो वी हैव टू रीअसेस आवर डायग्नोसिस। अब अस्थमा को डायग्नोज करने के लिए जो स्पायरोमेट्रिक क्राइटेरिया वो बेसिकली क्या है, क्लिनिकल हिस्ट्री कंपैटिबल होनी चाहिए, इसके अलावा हमारे पास 3 में से 2 फीचर्स मौजूद हों, FEV1 दैट इज़ फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ग्रेटर देन और इक्वल टू 12% हाई। अगर हम पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज़ बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर, तो जब हम पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर दें तो हमारे पास फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर देन 12% हाई, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, क्योंकि एयर वे नैरोइंग हुई थी यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन हुई भी थी। तो जब हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे और अगर एयर वे नैरोइंग इंप्रूव हो जाती है, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो इट मींस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। इसके अलावा 20% हाई अर्नल वेरिएशन हो ऑन ग्रेटर देन 3 डेज इन अ वीक फॉर 2 वीक्स ऑन पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट डायरी। दिस इज बेसिकली द क्राइटेरिया हाउ टू मेक अ डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा। कंपैटिबल क्लिनिकल हिस्ट्री प्लस आइदर ऑफ FEV1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 12% एंड इंक्रीज फॉलिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर और ट्रायल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सेकंड पॉइंट इज ग्रेटर देन 20% डायर्नल वेरिएशन ऑन 3 डेज इन अ वीक फॉर 2 वीक्स ऑन पीक एक्सपायरेटरी फ्लो डायरी। FEV1 शुड बी ग्रेटर देन 15% डिक्रीज आफ्टर 6 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। This is a graph which is representing our diagnosis of asthma after bronchodilator administration. Before administration of bronchodilator, FEV1 is this green line representing decrease, and after bronchodilator administration, 20 minutes after bronchodilator drug administration, FEV1 is going to be increased. This is at level 1. At the time when no bronchodilator has administered, this is at 2.5. FEV1 is increased after administration of bronchodilator. Other tests which we can use in the diagnosis of asthma include airway hypersensitivity by challenge test, use of exercise tolerance test, skin prick test for allergen, total and allergen specific IgE. As it is a hypersensitivity reaction, so IgE level will be increased in this disease. Chest x-ray will also show hyperinflation of lungs. High resolution CT scan is also recommended. Now moving on towards the management of asthma in case of stable or mild disease, we will follow step-wise approach to the management of asthma. Step-wise approach consists of following 5 steps. Step 1 is occasional use of inhaled short-acting beta-2 adrenoreceptor agonist bronchodilators. In those, we use metered-dose inhalers and short-acting beta-2 agonist include salbutamol and terbutaline. These two names must be remembered. Here is the specimen of metered-dose inhaler and different points showing how to use. First of all, remove the cap and shake the inhaler. Breathe out gently and place the mouthpiece into the mouth. Incline the head backwards to minimize oropharyngeal deposition. Simultaneously, begin a slow, deep inspiration. Depress the canister and continue to inhale. Hold the breath for 10 seconds. After that, your dose is in your lungs. If step 1 does not show any kind of improvement, then we move on towards step 2, introduction of regular preventive therapy. Regular preventive therapy consists of glucocorticoids. Inhaled glucocorticoids, we use beclomethasone, budesonide,
एंड डिफरेंट अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कैन बी यूज्ड फॉर एस्थमा एज ब्रोंकोडायलेटर्स. इफ पेशेंट इज नॉन रिस्पॉन्सिव टू स्टेप टू, देन वी मूव ऑन टू वर्ड स्टेप थ्री, दैट इज एड ऑन थेरेपी. अलॉन्ग विद इनहेल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वी विल एड लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एडवीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज फॉर मेटेरोल. After step 3, we will move on towards step 4, poor control on moderate dose of inhaled glucocorticoids and add on therapy. Now we will add a fourth drug, glucocorticoid, leukotriene receptor antagonist, along with long-acting anti-muscarinic agents and theophylline. Then if patient is also not responding to this, it means if patient is moving towards severe asthma, so we use continuous and frequent use of oral glucocorticoid, and oral glucocorticoid is prednisolone. We prefer this as the most important oral glucocorticoid. If patient is not improving after step 5-2, then we use different kinds of monoclonal antibody. We use omalizumab, a monoclonal antibody directed against immunoglobulin E. We can also use mepolizumab, a monoclonal antibody directed against interleukin-5. It binds to receptors on eosinophils, that's why it inhibits the production of granules and rupturing of eosinophils that will lead to further production of asthma and airway narrowing, mucus secretion and smooth muscle spasm.